हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके साथ शेयर करेंगे मनी प्लांट की कटिंग्स लेना और लगाना। तो मनी प्लांट की कटिंग्स लेने के लिए आप अगर इस तरह की कटिंग्स लेते हैं जिसमें एरियल रूट्स होते हैं तो ये कटिंग्स आपकी 100% ही ग्रो होगी। और रेनी सीजन में आप किसी भी तरह की लेते हैं जिसमें एरियल रूट्स नहीं हैं, अगर वो कटिंग्स आप लेकर लगाते हैं तो वो कटिंग्स भी ग्रो हो जाती है। अगर आप पहली बार लगा रहे हैं तो एरियल रूट्स वाली ही कटिंग्स लें और इसको रेनी सीजन में ही लगाएं। तो पहली बार जब आप कटिंग्स लगाएं तो रेनी सीजन में लगाएं तो कटिंग्स आपकी 100% ही ग्रो होगी। तो कटिंग्स को हम यहाँ से ले लेते हैं। ये आप देख सकते हैं हमारा मनी प्लांट है और ये छोटी सी बकेट में लगाया है इसको। और ये आप देख सकते हैं कितना बड़ा हमारा मनी प्लांट हो गया है। और ये हमने मॉस स्टिक में लगाया है, मॉस स्टिक भी हमने घर पे ही बनाई है ये। तो ये हमने कुछ कटिंग्स ले ली हैं तो कटिंग्स को लगाना बताएंगे। कटिंग्स को लगाने के लिए हमने लिया है ये एक मग और इसमें हमने ड्रेनेज होल बना लिए हैं। और ये हमने ली है गार्डन सोयल। अगर आपके पास प्लांटर नहीं है तो इस तरह के जो डिस्पोजल होते हैं इनमें भी कटिंग्स बहुत ही अच्छी ग्रो हो जाती हैं, तो इनमें भी लगा सकते हैं। चिकनी मिट्टी को छोड़कर आप किसी भी तरह की मिट्टी को ले सकते हैं, रेत भी ले सकते हैं, मोटी या बारीक रेत है अगर तो रेत में भी लगा सकते हैं। बहुत ही जल्दी ग्रो हो जाती है। एक साथ हम कई कटिंग्स लगाएंगे, कुछ कटिंग्स हमारी ग्रो हो जाती हैं तो कुछ सूख भी जाती हैं, तो एक साथ कई कटिंग्स को लगाएँ। तो ये जो नोड एरिया है यहाँ से हम कटिंग को लेंगे। ये कटिंग्स हमने इस तरह से काट ली हैं, ये आप देख सकते हैं। एक साथ इन सभी को इस तरह से इकट्ठा कर लेंगे हम। और इसको बांध देंगे हम जिससे ये हिले नहीं। एक साथ ही इसको हम लगाएंगे तो ये कटिंग्स जो हैं ये अलग अलग नहीं होंगी। आप देख सकते हैं इस तरह से सुंदर हमारी ये मनी प्लांट की कटिंग्स दिख रही हैं, तो इनको हम लगा देंगे। इसको लगाने के बाद इसमें पानी जो है वो बहुत कम डालना है। एक बार पानी डाल देंगे और दोबारा पानी तभी डालेंगे जब इसकी मिट्टी जो है वो सूख ना पाए, उसके पहले ही हम इसमें पानी डाल देंगे। बहुत ज़्यादा ओवर वाटिंग नहीं करेंगे, रोज़ पानी इसमें नहीं देंगे। और इसको ऐसी जगह पर रखेंगे जहाँ पर सुबह की एक दो घंटे की धूप आती हो, तभी हमारा मनी प्लांट जो है, मनी प्लांट है इसको अगर हम डायरेक्ट धूप देते हैं तो मनी प्लांट हमारा सूखने लगता है, उसकी पत्तियाँ जो हैं ये जलने लगती हैं और इतनी सुंदर नहीं दिखती हैं जब इसको हम धूप में रख देते हैं। और एक कटिंग हमारे पास और है ये, तो इस कटिंग को इस तरह से लगा कर दिखाएंगे हम। इसको हम काटेंगे नहीं और इसमें जो ये नोड एरिया है यहाँ से हम इस कटिंग को इस तरह से रख देंगे। अपने ये जो डिस्पोजल है इसी में हम आपको लगाकर दिखाएंगे। मनी प्लांट को लगाने के लिए बहुत बड़े प्लांटर की ज़रूरत नहीं होती है, इसको छोटे से छोटे प्लांटर में भी लगाया जा सकता है। तो इस तरह से हमने ये कटिंग्स को लगा दिया है। और आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, यूज़फुल लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। फिर मिलते हैं इसी तरह के यूज़फुल वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।